हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लाइफ ऑफ अलका। और अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बाहर बारिश हो रही है और मैं बना रही हूँ लंच। अभी तो स्कूल जा चुका है और मैं बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ पनीर। तो पनीर मैं निकाल लेती हूँ। तो जो पनीर है हम लोग इसका यूज़ करते हैं कंट्री डिलाइट का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक अमूल के पनीर से ज़्यादा मुझे कंट्री डिलाइट का पनीर लगा। तो बस वही पनीर लंच की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद आज हम ऑफिस जाएंगे और फिर देखिए फिर घर की धीरे धीरे काम करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए पहले सब्जी बना लेते हैं पनीर की। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा घी। पनीर की सब्ज़ी ये सब आप घी में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगती है, पनीर की सब्ज़ी घी में। और चॉपिंग मैंने करके रखा कि लाइक ये देखिए अदरक लिया हुआ है, लहसुन और ये है प्याज। और ये देखिए मैंने सबको बड़ा मोटा मोटा ही काटा था क्योंकि मुझे एंड में इनको ग्राइंड ही करना है, इसलिए। तो मुझे सिर्फ इनको एक सबको एक साथ पका के फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी, इनका पेस्ट रेडी कर लूँगी। एक तड़का लगा के पनीर डालना है, बस इतनी सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ मैं पनीर की। तो देखिए मेरा जितना भी ग्रेवी का मटीरियल था लाइक टमाटर प्याज अदरक लहसुन सबको मैं अच्छे से कुक कर लूँगी और फिर मैं उनको ग्राइंड करूँगी बाद में। उनको मैं अच्छे से अभी कुक कर लूँगी और फिर उसके बाद ग्राइंड करूँगी। और ये जो मैं मसाला पका रही हूँ ना अपना टमाटर प्याज उनका, तो इसी में मैं अभी नमक मिर्च हल्दी सब ऐड कर दूँगी और फिर बाद में अभी हाफ अभी ऐड कर दूँगी और जब मैं ग्राइंड करके तड़का लगाऊँगी तब हाफ ऐड कर दूँगी। देखिए तो मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, मैं इसको 5 मिनट और कुक होने दूंगी। और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ इडली, सूजी की इडली बना रही हूँ। ये जल्दी बन जाती है और ऑप्शन भी अच्छा है, कभी चेंज करना हो ब्रेकफास्ट में कुछ और खाना हो। बस लीजिए आप लगाइए। लोग अभी इडली बना रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मेरी हेल्प करने आ गए हैं किचन में। इधर हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, तो इधर तब तक हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। आज हमने वो लगा दिया इडली में लगाकर में, तो तब तक मैं सब्जी का काम कर लेती हूँ पूरा। तो ये मेरा मसाला भी ठंडा हो गया, मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद तड़का लगा देंगे। कि हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो गई है, काफ़ी अच्छी फूल भी गई है। और इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि हमारी पक गई है। देखिए जी नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है और देखिए कितनी अच्छी फूली है। बस अब मैं इस पर तड़का लगाऊंगी और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और तब तक इधर मेरी पनीर की सब्जी की मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। तो देखिए मेरी सब्जी का बिल्कुल मसाला रेडी हो गया, तो इसमें मैं क्या करूँगी थोड़ा सा पनीर ऐसे डाल देंगे क्रश करके बिल्कुल, इससे क्या होता है थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो जब मेरा मसाला अच्छे से पक गया, इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। पानी आप उतना ऐड करिए जितनी भी आपको थिकनेस जितनी आपको ग्रेवी थिक चाहिए उतना पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें एक कटोरी मान लीजिए 3/4 ग्लास पानी ऐड किया है। अब पानी में जब बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें पनीर के पीसेस डाल दूँगी। तो चलिए तब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। It's gone now. Where do I have to go to catch it? You will catch it. Chalo. Last one, please. Oh, you just go there.
फाइन फाइन। तो अब हम लोग घर आ चुके हैं। अभी वो पहले क्या गई थी मैं स्कूल की, और अब हम लोग लंच कर रहे हैं और सब्जी बहुत ही यम्मी बनी है। तो चलिए मैं सब लंच कर रही हूँ, उसके बाद में मिलती है आप लोगों से। तो अभी अव्यू कर रहा है पढ़ाई। क्या कर रहे हो? आई वोवल की राइमिंग वर्ड्स कर रहा है अव्युक्त, और स्टार्ट राइटिंग। तो ये क्या है, मैं डेली अव्युक्त को करवाती हूँ। इनके क्या है, राइमिंग वर्ड्स चल रहे हैं। ए वोवल हो चुका है, ओ हो चुका है और आई हो चुका है। तो मैं मतलब लाइक मॉर्निंग, जैसे अभी 5 o'clock इसकी स्पोर्ट्स की क्लास होती है, तो उससे पहले एक बार एक पेज इंग्लिश का करा देती हूँ, और उसके बाद वो मैथ्स की बुक का रखी और मैं डेली इससे ये जरूर करवाती हूँ। बिफोर आफ्टर एक ऑल्टरनेटिव चलता रहता है। बाकी नंबर नेम लिखाना है, एडिशन करवाना, मिसिंग नंबर्स करवाना। तो अब बेटा स्टार्ट करो, तो वही इसको मैं दे देती हूँ। अभी मैं इसका चेक कर लूँगी कि इसने क्या किया। मैं चाय बनाने गई हुई थी तब तक किसने करा है सारा, और साथ में मैंने इसको ना वो भी करवाए थे। मेन बच्चे के साथ क्या होता है कि इनको अपन को स्कूल के साथ चलना होता है, हम लोग कंटिन्यू करवाते रहते हैं, पर ये होता है कि इनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत रहती है। तो मैंने इसको ये ना साइड वर्ड्स भी सारे करवा दिए हैं, जैसे कि टू डू नो बाय माय यू। तो पर क्या होता है कि डेली राइटिंग में इतना सब नहीं करवा सकते ना, बच्चा हार्डली कितना करता है, 3 या 4, मैक्सिमम 4 भी हार्डली कभी पहुँचता है हमारा, वरना मैक्सिमम 3 तक, और पढ़ते नहीं है। अभी देखो मस्ती चल रही है। अब वो लिखना शुरू कर बिट्टू, जल्दी आवा बेटा, अभी 5 o'clock आपको नहीं जाना। वेरी गुड, चलो लिखना शुरू करो। आई वोवल्स वर्ड जोर जोर से पढ़ना है। डन, चलो फिर क्लोज योर बुक, चलो बाय। तो मैंने इसको साइड वर्ड्स भी हम लोग कर चुके, मतलब अभी को मैंने काफी बार प्रैक्टिस भी करा दी है, पर ये कि नया नया यदि स्कूल में पढ़ा रहे तो वो भी साथ में कंटिन्यू करना है, तो पुराना भूलना जाए, इसलिए मैं कर रही हूँ साइट वर्ड्स के ना इसे शीट रेडी कर रही हूँ, जिसको मैं हमारे जो बेडरूम है वहाँ पे लगा दूंगी, ताकि इसको सोने से पहले या जब भी हम दोनों बैठ के रेस्ट कर रहे हो, खेल रहे हो, तो एक बार इसे रीडिंग करवा लूँ। इससे क्या होता है कि खेल खेलने में बच्चा पढ़ भी लेता है, अलग से बुक खोल के पढ़ाना थोड़ा वो हो जाता है। तो वही सारे मैं साइट वर्ड्स के लिए इसकी शीट बना रही हूँ, क्योंकि यदि आपको देखो ना अभी ये सीनियर केजी में है, तो आई थिंक दिसंबर तक इनसे ना रीडिंग स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि अभी साइड वर्ड्स कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स स्टार्ट हो गए, 2 letters 3 letters सारे। तो उसके बाद आई थिंक दिसंबर से ये रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए इसको ज़रूरी है कि साइड वर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए इसको। तो रीडिंग के लिए क्या है, साइड वर्ड्स आने ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस होती रहे तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक तरह से ऐसी शीट बना ली, अभी एक और बनेगी, अभी इसमें पूरे सारे वर्ड्स कंप्लीट नहीं आए हैं, इसमें भी सारे बनेंगे। अभी दिस दैट लाइक हिम हर कम केम एट हैव वेंट, ये सब अभी आएंगे, तो मैं नेक्स्ट शीट में लिखूंगी। और मैं इसे कहीं पे भी ऐसे स्टिक कर दूंगी जहाँ पे नजर जाती रहे, और ऑब्जेक्ट से एक बार रिवाइज कराती रहूंगी। तो इस तरह से चीजें हेल्प करती हैं कि बच्चों को रिविजन ईजिली हो जाता है। चलिए अभी होमवर्क कर रहा है, तो इसको पहले होमवर्क करा देती हूँ। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, अभी की क्लास खत्म हो जाती है 7:15 के अराउंड। तो बस आके मैंने डिनर रेडी किया है। तो आज कुछ बहुत थोड़ा, आज में क्या होता है अभी की क्लास होती है ना, जितनी देर उतनी देर मैं वॉक करने कर लेती हूँ, मतलब ऐसे मार्केट है थाने का वहाँ पे। तो उसके बाद क्या, मुझे थोड़ी थकावट हो रही थी, तो फिर आज मेरा भी मन नहीं था पराठे या सब्जी रोटी बनाने का, तो फिर मैंने अभी पुलाव बना लिया, झटपट काम हो जाए, और सबको भी इतनी भूख नहीं थी, तो फिर मैंने पुलाव भी बना दिया। तो मैंने भी देखिए ये पुलाव रेडी हो गए हैं बिल्कुल, ये देखिए पुलाव रेडी हो गए हैं।
लास्ट टाइम मैंने ना ब्रोकली डाल के भी बनाए थे, तब भी बहुत अच्छे बने थे। मतलब ब्रोकली से बहुत अच्छा टेस्ट आया था राइस में। तो एक्चुअली वेजिटेबल्स डाल के बनाओ ना तो पुलाव का टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए पहले हम डिनर कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, वो दिखाती हूँ। तो बस हम लोगों का डिनर हो चुका है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कुछ दिखाना था शॉपिंग का। तो देखिए, तो ये देखिए मुझे शाम को रिसीव हुआ था जब मैं बिल्कुल लेके स्पोर्ट्स क्लास में जा रही थी। तो ना मैंने ऑर्डर नहीं किया था कुछ, फिर आगे से कहीं मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया। मतलब तो मैं वही तो मैंने सोचा था कि जब ओपन करूँगी तो वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो लेट्स सी क्या ऑर्डर किया है। तो थैंक यू आर्जन। तो वैसे तो आई एम अ टी लवर, पर आज तो मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है। ज़रा आज तो मुझे कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर किया है। तो चलिए जब मैं इससे बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कलर भी बहुत अच्छा है। तो चलिए जब इसके साथ कॉफ़ी बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक और चीज़ उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर करी है, मैंने कुकिंग बोर्ड। एक्चुअली मेरे पास प्लास्टिक वाला चॉपिंग बोर्ड था और मैं काफ़ी टाइम से लेने का सोची थी, पर इससे पहले आपको पता है अभी कि वो वायरल फीवर हो गया था तो जा नहीं पाए थे। तो मैं सोच ही रही थी, तो फिर उतने देने तो मैं ना जो चकला नहीं तो उस पर कट करती थी सारा जो भी होगा, इसको एज अ चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती थी। फिर ये आज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो ये भी बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो ये दोनों गिफ्ट मुझे आज मैंने दिए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़, हाँ वीडियो चेक। यदि आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड